नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है और अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक ये कि उज़्बेकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे ग्रैंड मास्टर हैं। बहुत यंग है अभी। अगर अब्दुसत्तारोव की बात करें हम तो उज़्बेक के जो टॉप मोस्ट कुछ प्लेयर्स होंगे उनमें आते हैं फिलहाल तो। और अगर उनसे पहले की बात करें तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उज़्बेक से रुस्तम काजिमजानो जो एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही स्ट्रांग ग्रैंड मास्टर थे और बहुत टाइम उन्होंने आनंद के लिए भी काम किया था। जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलते थे तो मेन उनकी जो टीम थी उनको लीड करते थे और आनंद के जो सेकेंड्स की टीम थी उनमें कजिन जानो बहुत टाइम तक रहे थे। सो डेफिनेटली लोकल ग्रैंड जो उस कंट्री के जो ग्रैंड मास्टर हैं उन लोग ने बहुत हेल्प की होंगी। यंग कम जो बच्चे आ रहे हैं अपकमिंग तो उनमें से एक अब्दुसत्तारोव बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। और देखा जाए तो मैग्नस के साथ जो ये गेम हुआ उनका ब्लिट्स में ये उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा रहेगा और रिजल्ट डेफिनेटली हम लोग गेम में उसकी बात करेंगे। हम लोग गेम की तरफ जाते हैं क्विकली। जो गेम स्टार्ट हुआ वो d4 Nf6 Nf3 e6 Bg5 d5 e3। अब एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तक व्हाइट ने c4 खेला नहीं है तो कम्प्लीटली आप बोल नहीं सकते हो कि ये क्वींस गैम्बिट में आ सकता है। लेकिन आफ्टर बिशप e7 अभी c4 खेला। मैग्नस कार्लसन ने मूव ऑर्डर को थोड़ा सा फ्लेक्सी रखा था ताकि एकदम से जो प्रिपरेशन है वो नॉर्मली एक बहुत कॉमन बात है कि आप जब यंगस्टर से खेल रहे होते हो तो कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर ये रखता है कि मूव ऑर्डर को थोड़ा सा फ्लेक्सी रखता है ताकि जो उसका प्रिपरेशन है वो एकदम से नहीं उसको आए क्लियर कट। सो कैसल किया यहाँ पे और आफ्टर क्वीन c2 अभी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली इसमें जो क्वीन c2 मूव है उसकी जगह नाइट c3 मोस्टली खेलते हैं और नाइट c3 के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत पॉपुलर सेटअप है QGD का जिसको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड बोलते हैं। और उसमें आप बाद में h6 बिशप h4 Ne4 एक जा सकते हो जिसको लास्कर वेरिएशन बोलते हैं या फिर आप b6 जा सकते हो जो कि एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है टाटा गोर वेरिएशन बोलते हैं उसको। लेकिन कार्लसन ने यहाँ क्वीन c2 खेला अभी जाके h6 खेला यहाँ पे। नॉर्मली जब आप नाइट c3 पहले खेलते हो और कॉमन मूव ऑर्डर आता है उसमें तो उसमें h6 पहले खेला हुआ रहता है और कैसल बाद में करते हैं जहां तक मैंने प्रिपेयर किया था क्योंकि मेरा खुद एक गेम हुआ था इस लाइन में एक। सो लास्कर वेरिएशन में जब आप Ne4 बाद में आते हो तो पहले h6 खेला रहता है बिशप h4 और बाद में उसको शॉर्ट कैसल करते हैं। पर क्योंकि ये मूव ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया था कार्लसन ने तो हो सकता है वो पोजिशन ऐसी आई नहीं। और यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो एक गेम हुआ था पहले दिमित्री एंद्रेकिन और माइकल एडम्स का जहाँ पे c5 खेला था उन्होंने। वैसे देखा जाए तो c5 डेफिनेटली बहुत पॉपुलर लग रहा है इसमें क्योंकि अगर हम बात करें डी कट c5 यहाँ पे क्वीन a5 क्योंकि किंग सेंटर में पड़ा है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप सेंटर को ब्रेक दो। और डेफिनेटली आफ्टर क्वीन a5 यहाँ पे जो गेम कंटिन्यू हुआ था माइकल एडम्स का वो नाइट bd2 क्वीन कट c5 रुक c1 एंड देन आफ्टर h6 बिशप h4 खेला था यहाँ पे। इस बार मारा नहीं था बिशप इनटू f6 वाइट ने। bd7 सी कट d5 आफ्टर क्वीन c2 रुक c2 नाइट d5 और ये पोजीशन बिशप इनटू e7 नाइट इनटू e7 के बाद ये एक पोजीशन आया था जो कि मुझे इक्वली लग रहा है। लेकिन बहरहाल गेम में क्या हुआ कि क्वीन c2 के बाद यहाँ पे h6 खेला ब्लैक ने। अब आप देख सकते हैं कि मूव ऑर्डर चेंज करने से कि कैसे व्हाइट ने उसको अलग तरह से खेलने की कोशिश किया क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जो टाटा कोवर वेरिएशन होता है या फिर लास्कर वेरिएशन होता है दोनों में ही बिशप h4 लेते हैं अगर नाइट c3 आया हुआ है और पहले h6 खेला कैसलिंग के पहले तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैसलिंग हो चुकी है तो डेफिनेटली व्हाइट एक मूव डिसाइड कर सकता है दैट इज बिशप इंटू f6 इंस्टेड ऑफ बिशप h4 आप बिशप इंटू f6 मार सकते हो क्योंकि अगर आप बिशप इंटू f6 मारोगे जो कि मुझे ओनली मूव लग रही है यहाँ पे तो व्हाइट के पास एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है इसमें अटैक करने के लिए दैट इज h4। ये मुझे लगता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें एरोनियन और मेमेडेरो का डेफिनेटली इसमें गेम भी है खेला हुआ तो उनका ही सिस्टम बोला जाता है इसको। और h4 के बाद मैंने जब वीडियो देखा था इसका इस गेम का मैग्नस और अब्दुसत्तारोव के बीच का तो कुछ सोचने के बाद उन्होंने g6 खेला था। हालांकि ये एक राइट कंटिन्यूएशन भी है लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे c5 भी खेला है जैसे कि मैंने बोला किंग सेंटर में पड़ा है तो आप सेंटर को ब्रेक करने के लिए खेल सकते हो।
लेकिन आफ्टर जी सिक्स यहाँ पे नाइट सी थ्री खेला और एग्जैक्टली यही पोजीशन थी जिसमें कि आप बाद में जी फोर भी कर सकते हो और डेफिनेटली इसमें यही मेन आइडिया होना चाहिए जी फोर एच फाइव या जी फोर जी फाइव का। तो बी जी सेवन किया यहाँ पे इमिडिएटली, पहले कार्लसन ने लॉन्ग कैसल कर दिया। हालांकि कुछ कंडीशंस में आप जी फोर भी जा सकते हो लेकिन लॉन्ग कैसल के बाद सी सिक्स खेला और देखा जाए तो ये एक मेरे डेटाबेस के हिसाब से भी एक नॉवेल्टी था क्योंकि इसके पहले जो गेम हुए उसमें नाइट सी सिक्स खेला हुआ है एक गेम में और उसके बाद किंग बी वन ए सिक्स और ये एक पोजिशन खेली हुई है इसमें, लेकिन सी सिक्स खेला यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं जी फोर खेला हुआ है। अब डेफिनेटली फिर से अपोजिट साइड कैसल वाला गेम देख रहे हैं हम जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो पहले फाइल्स ओपन करेगा या डायगोनल्स ओपन करेगा उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे पोजिशंस में अगर आप मटेरियल लूज भी कर रहे हो और एक्टिविटी जनरेट कर रहे हो तो भी चलता है, लेकिन आपको डेफिनेटली इधर स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो नाइट डी सेवन खेला, यहाँ तक मुझे लगा कि जिस मैच्योरिटी के साथ ब्लैक खेल रहा था और जो जिस बहुत ही कूलनेस के साथ ब्लैक खेल रहा था वो बहुत अच्छी बात थी, नोट करने लायक बात थी इस गेम में, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत यंग है एक्चुअली ब्लैक जो है, लेकिन इस गेम में बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से उसने हैंडल किया था पोजीशन को। जी फाइव खेला यहाँ पे एच फाइव और इसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये सब ब्लॉक हो गया तो इस अटैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि ये एक थ्रेट्स बन सकते हैं नाइट एफ फोर पे रख के बिशप इनटू जी सिक्स, लेकिन यही एक तरीका था अटैक करने का। तो डेफिनेटली ब्लैक ने ये देखा होगा, लेकिन एच फाइव के बाद व्हाइट ने किंग बी वन खेला ताकि कुछ कंडीशंस में जब सी फाइल पे कुछ अटैक क्रिएट करना होता है या फिर कुछ काउंटर क्रिएट करता है ब्लैक तो आपको किंग बी वन थोड़ा सेफ प्लेस चाहिए। क्वीन ई सेवन खेला यहाँ पर, डेफिनेटली ई फाइव या सी फाइव में से कुछ एक ब्रेक हो सकता है क्वीन ई सेवन के बाद। सी कट डी फाइव मारा, ई कट डी फाइव, बी डी थ्री। अब इस पोजीशन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एफ थ्री का नाइट अभी भी अनसपोर्टेड है। डेफिनेटली आप एफ सिक्स नहीं खेल सकते हो क्योंकि जी कट एफ सिक्स के बाद जी सिक्स भी है इसमें, या फिर डायरेक्टली भी आ सकता है क्योंकि उसको एफ जी मारा आपने तो नाइट इंटू जी फाइव आ रहा है। नाइट बी सिक्स खेला यहाँ पे ब्लैक ने, रुक सी वन, यही आइडिया थी बहुत बार किंग बी वन लेके रुक सी वन खेल देते हैं ताकि इस पोजीशन में जो सी फाइल इस सी फाइल है उसको कंट्रोल रहे हमेशा। और सबसे बड़ी बात फिलहाल उसने वाइट ने रुक सी वन इसलिए हटाया था क्योंकि बिशप जी फोर आ रहा था और एफ थ्री को आप फिर रिमूव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर बिशप ई सिक्स खेला क्योंकि अगर आप इमिडिएटली बिशप जी फोर आते हो तो नाइट एच टू आके आपके बिशप पर थ्रेट रहेगा, तो फिलहाल उसको बिशप जी फोर खेल के कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन जैसे ही बिशप ई सिक्स खेला वाइट एनी टू आई डेफिनेटली आइडियाज टू प्ले नाइट एफ फोर, लेकिन अब क्विकली बिशप जी फोर खेला था, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक ने ये बहुत जल्दी देख लिया था कि नेक्स्ट जो आइडिया है वाइट का वो एनी टू एन एफ फोर हो सकता है, तब मैं बिशप जी फोर खेलूंगा क्योंकि अब अगर आप नाइट एच टू हटाते हो तो बिशप इन टू ई टू आ रहा है, क्वीन इन टू ई टू एंड देन रुक ए सी है। अब डेफिनेटली कुछ कंडीशन में सी फाइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक आ सकता है, तो यहाँ पर वाइट ने जो है एफ फोर खेला, ये एक बहुत अच्छा पोजीशन है एक्चुअली अगर हम बात करें इसको समझने की, तो एनालिसिस करने के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर व्हाइट को अटैक करने के लिए इधर चांसेस नहीं बने तो डेफिनेटली ब्लैक जब सी फाइव खेलेगा और इस पोजीशन में हो सकता है कभी नाइट सी एट देख सकते हैं, नाइट डी सिक्स और ये दोनों फिर कंट्रोल कर रहा है स्क्वायर नाइट, ये अगर मैन्यूवरिंग हो जाती है तो डेफिनेटली ब्लैक को भी बेटर आ सकता है ये। लेकिन एफ फोर के बाद रुक एफ ई एट खेला यहाँ पे और यहाँ पर रुक ई वन खेलने के बाद, रुक एच ई वन खेलने के बाद यहाँ पे ये एक्चुअली ऐसा पोजिशन था जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। आप रुक के थोड़ा इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या कैंडिडेट मूव्स है इस पोजीशन में ब्लैक के पास और कैसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा मूव आ रहा था जो कि एक्चुअली गेम में नहीं खेला और यहाँ पे ब्लैक ने नाइट सी फोर खेल दिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे रुक के आप थोड़ा एनालाइज करें ताकि इस पोजीशन को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं या इस पोजीशन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं आगे या और क्या चांसेस हैं, तो आप 5 या 10 मिनट रुक के थोड़ा उसको बोर्ड पे लगा के भी आप कर सकते हो जब भी आप चाहें तो। लेकिन डेफिनेटली ऐसे पोजीशंस को एनालाइज करना एक अच्छी बात होती है। बहरहाल गेम में जो हुआ हम क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने नाइट सी फोर खेल दिया
और ये एक टेम्पररी पॉन सेक्रीफाइस था आप देखे तो, लेकिन कुछ कंडीशंस में लग रहा था कि e3 पे वीक है, सो अगर अगर वो e3 नहीं मिला तो लॉन्ग टर्म पे e4 d5 आने के बाद ये पोजीशन, या f5 पे आने के बाद ये पोजीशन डेफिनेटली वाइट को फेवर कर सकती है। लेकिन फिर भी ये गेम एक 3+2 ब्लिट्स का गेम था, तो इसमें ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आपका पोजिशन कितना अच्छा है उससे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आपके पास अगर ट्रिकी सिचुएशन है और डेफिनेटली टाइम प्रेशर में ये बहुत मुश्किल हो सकता है, और अगर कोई यंगस्टर के साथ आप खेल रहे हैं तो डेफिनेटली वो टैक्टिक्स में बहुत ही उनका मेन स्ट्रेंथ फिलहाल वही होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे ही आएगा। लेकिन ये जो डिसीजन था ये प्रैक्टिकली बहुत ठीक लगा था मुझे भी। तो बिशप कट c4 मारा यहाँ पे, डी कट c4 और क्वीन कट c4 के बाद क्वीन e4 चेक दिया यहाँ पे, क्वीन e4 चेक, क्वीन c2 डेफिनेटली आप अगर क्वीन एक्सचेंज करोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो इस पोजीशन में कि उसके बाद ये एंडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है ब्लैक के लिए। सो क्वीन रखा गेम में, क्वीन d5 खेला, रुक cd1 के बाद रुक cd8 खेला, लेकिन एक बार जब आपने रुक cd1 खेला और d4 को सपोर्ट दे दिया तो नेक्स्ट में भी e4 रोक नहीं सकते हो आप, और अगर आप रुक e4 रखते थे इंस्टेड ऑफ रुक cd1 तो भी इस पोजीशन में nf3 ne5 आ रहा है, और इवन नाइट f3 के बाद नाइट d2 भी आ रहा है, तो ये कोई परमानेंट प्लेस नहीं है देखा जाए तो e4 जो है वाइट ब्लैक के लिए। तो यहाँ पे e4 आ गया और अब ये पोजीशन डेफिनेटली वाइट को बेटर लग रही है, बट फिर भी कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आ सकते थे जिसमें क्वीन e6 खेला, और आप देख सकते हैं h4 f4 दोनों वीक है, तो उसको बचाने के लिए वाइट ने f2 पे क्वीन खेला। ये एक बहुत अच्छा मूव लगा था मुझे, क्योंकि इस प्लेस से सब कुछ डिफेंडेड है, d4 f2 और h4 भी, और जब आप नाइट f3 खेलोगे या क्वीन h3 आ सकता है तो भी सब कुछ ईजी है वाइट के लिए। तो रुक d7 खेला यहाँ पे, f5, क्वीन टू c4 खेला यहाँ पे, f6, और इस मूव के बाद बिशप f8 को लेना जरूरी था, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो पॉन चेन है उससे भले कोई फाइल ओपन नहीं है लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पॉन है, और अगर इधर से कोई पास पॉन बन जाती है तो क्लियरली वाइट जीतना चाहिए। नाइट f3 खेला यहाँ पे, रुक टू d6, ne5, क्वीन पे अटैक है, क्वीन e6 वापस लिया, और यहाँ पे नाइट d3 खेल दिया। डेफिनेटली जो आइडिया है वो ये हो सकती है कि नाइट f4 जाके आप d5 खेलो, अगर आप उसको मारते हो तो नाइट इनटू d5 आके e7 का हमेशा चेक बना हुआ रहेगा, और आप अभी भी पॉन अप हो क्लियरली। सो यहाँ पे क्वीन g4 खेला वाइट ने। अब कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हो कि एक्चुअली जो थ्रेट है वो ये है कि आप रुक इनटू e4 मार के क्वीन d1 आ सकते हो। तो जो फर्स्ट थ्रेट था वो ये था कि रुक इनटू e4 डायरेक्टली मर रहा है, क्योंकि इस पर डबल अटैक है, क्वीन और रुक दोनों अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मैग्नस ने यहाँ पे नाइट f4 खेल दिया, और नाइट f4 को आप देख सकते हो कि क्लियरली वो जो जिस मूव के लिए खेला था वहां पे रुक इनटू e4 आ सकता है। लेकिन नाइट f4 के अलावा यहाँ पे सिंपली क्वीन e3 जो है वो बहुत अच्छा मूव था, भले आप इसमें क्वीन इनटू h4 मार दो लेकिन बाद में नाइट f2 खेल के आपके पास सेंट्रल पॉन्स है, मतलब h4 मार रही है लेकिन सेंट्रल पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे क्वीन g4 के बाद नाइट f4 खेला मैग्नस ने, और नाइट f4 को आप देख सकते हो कि सिंपल एक टैक्टिक आ गई कि रुक इनटू e4 मारा। यहाँ पे जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैग्नस बहुत खुद से उसको चिढ़ा रही थी कि कैसे मैंने रुक इनटू e4 मिस किया, और ऐसा नहीं था कि क्योंकि आपने देखा होगा कि मैग्नस बाद में बहुत अच्छा खेला इस राउंड के बाद भी, और बहुत अच्छे प्लेयर्स को हराया, और वैसे चैंपियनशिप भी मैग्नस जीत गया, लेकिन इतने फॉर्म में होते हुए भी मैग्नस ने रुक इनटू e4 मिस कर दिया था, तो उसको खुद से ही बहुत गुस्सा आ रही थी इसमें। तो रुक f1 खेला यहाँ पे वाइट ने, क्वीन f5, किंग a1 डेफिनेटली डिस्कवर्ड चेक आ सकता था, सो प्रॉब्लम्स हो सकते थे। c5 खेला यहाँ पे, और c5 के अलावा एक्चुअली यहाँ पे कुछ और मूव्स थे, जैसे कि रुक d8 खेल सकते हो आप, यहाँ a3 खेल सकते, रुक d8 a3 एक ऑप्शन बन सकता है। अभी भी एक और प्रॉब्लम है कि बैक रैंक के इश्यूज हैं इस पोजीशन में वाइट के लिए, तो c5 को थोड़ा सोच के d5 खेला यहाँ पे, d5 को c4 खेला। अब डेफिनेटली ब्लैक का मेन ट्राई है कि c3 देके किंग को और ज्यादा एक्सपोज करो और फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पहले पॉन दिया था टेम्पररी वो तो वापस मिल गई उस एक टैक्टिक में रुक इनटू e4 में, लेकिन अभी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ेंगे इसमें। तो रुक d1 खेला यहाँ पे, रुक एक्सचेंज देखा जाए तो भले इस पोजीशन में वाइट के पॉन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं h4 g5 और f6,
लेकिन ब्लैक की एक्टिविटी अच्छी है फिलहाल. रुक इन टू ईवन, क्वीन इन टू ईवन मारा, सी थ्री खेला और यहाँ पर बहुत कम टाइम था, फिर भी यहाँ पे बहुत केयरफुली डिसीजन लेके व्हाइट ने क्वीन इन टू सी थ्री मारा. बी कट सी थ्री हो सकता कंप्यूटर कभी सजेस्ट करे, लेकिन ह्यूमन प्लेयर के लिए वो खेलना अच्छा नहीं लग रहा था प्रैक्टिकली. तो रुक इन टू डी फाइव मारा, डेफिनेटली आप नाइट इन टू एफ फोर नहीं मार सकते हो, एफ वन हैंगिंग है. तो ए थ्री खेला यहाँ पे, डेफिनेटली अगर आपके पास कोई रियल थ्रेट नहीं है फिलहाल और आपको आपके ऊपर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बैक रैंक के इश्यूज सॉल्व कर लेने चाहिए तभी. रुक सी फाइव खेला यहाँ पे, क्वीन डी फोर, रुक टू सी टू, रुक डी वन, रुक सी एट. अब इस पोजीशन में नाइट डी फाइव आने के बाद डेफिनेटली ये पोजीशन बहुत डोमिनेटिंग लग रही है. अभी भी ऐसा लग रहा है कि व्हाइट जीत सकता है इसमें, लेकिन आफ्टर रुक ई एट क्वीन ए सेवन खेला यहाँ पे, पॉन मार दिया उन्होंने ए सेवन की, और आफ्टर क्वीन जी फोर अभी एच फोर पे थ्रेट है तो क्वीन डी फोर वापस आ गए और क्वीन डी फोर को रुक ई फोर खेल दिया. और अब डेफिनेटली क्वीन इंटू एच फोर आ रहा है नेक्स्ट मूव, तो एन ई सेवन खेला यहाँ पे, चेक दिया, बिशप इंटू ई सेवन नहीं मार सकते आप, नेक्स्ट मूव प्रमोशन हो जाएगा. तो किंग एच सेवन खेला यहाँ पे और किंग एच सेवन को क्वीन डी फाइव खेल दिया. अब एफ सेवन मर रहा है तो एफ सेवन को बचाने के लिए उन्होंने रुक ई सिक्स वापस ले लिया. और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा विनिंग मूव था जिसमें कि व्हाइट के पास अभी भी डेफिनेटली चांसेस है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मिस कर दिया और क्वीन डी सेवन खेला. देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लिट्स के गेम्स को इतना सीरियसली एनालाइज नहीं करना चाहिए. मेरा भी पॉइंट वही था कि हम सिर्फ गेम में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखें, क्योंकि ब्लिट्स में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई प्लेयर सब कुछ परफेक्शन के साथ खेलेगा. लेकिन यहाँ पे क्वीन डी सेवन खेला, वहाँ पे एक्चुअली क्वीन डी सेवन के अलावा नाइट सी एट आ रहा था आफ्टर रुक सी एट, रुक ई सिक्स के बाद नाइट सी एट, क्योंकि आप अगर किंग जी एट खेलते हो तो क्वीन डी एट आ रहा है. और डेफिनेटली आफ्टर रुक ई थ्री यहाँ पे रुक सी वन आ रहा है. और अब आप इस कंडीशन में अगर क्वीन एफ थ्री या और कुछ खेलते हो तो चेक आके फिर क्वीन डी फाइव वापस आ रहा है, किंग एच सेवन और क्वीन डी फाइव, और डेफिनेटली फिर एफ सेवन को बचाने के लिए मुश्किल होगा क्योंकि उस कंडीशन में आप रुक ई सिक्स नहीं खेल सकते हो और क्वीन डी फाइव के बाद क्वीन अगर आप एक्सचेंज करते हो तो वो एंडिंग डेफिनेटली व्हाइट को बेटर रहनी चाहिए. लेकिन क्वीन डी सेवन खेला यहाँ पे और ये डेफिनेटली एक फाइनल पोजीशन था जो कि ब्लैक ने बहुत क्विकली नोटिस कर लिया था कि हमेशा इधर एक डी वन पे जो क्वीन का थ्रेट है उसने एच फोर को नहीं मार रहा है, डी फाइव डी वन को भी इनडायरेक्टली उसने टाइट डाउन करके रखा है. तो क्विकली उन्होंने बिशप इन टू ई सेवन मारा, एफ इन टू ई सेवन मारा, रुक ई सेवन मारा और आफ्टर क्वीन इन टू ई सेवन क्वीन डी वन आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं अभी पॉन इक्वल है और क्वीन क्वीन है बोर्ड पे. तो किंग ए टू के बाद मैग्नस ने इशारा कर दिया था ड्रॉ ऑफर के लिए, लेकिन उन्होंने एक मूव उनका शायद ध्यान नहीं था नोडिरबेक का और उन्होंने क्वीन डी फाइव खेल के उन्होंने पूछ लिया, तो फिर यहाँ पे उन्होंने अग्री कर लिया ड्रॉ. और ये गेम था जहाँ पे मैग्नस को डेफिनेटली एडवांटेज था, लेकिन क्योंकि ब्लैक ने कुछ अच्छे ट्रिक्स यूज किया और डेफिनेटली कुछ टैक्टिक्स थे हमेशा, और टाइम प्रेशर में टैक्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो ये एक बहुत अच्छा गेम होता मुझे लगा वर्ल्ड ब्लिट्स में. मैग्नस कार्लसन ऑलरेडी ये टूर्नामेंट कल जीत गए तो उनके बहुत अच्छे कुछ और गेम्स देखेंगे. एक मुझे क्रामनिक और अली रेजा का एक बहुत अच्छा गेम लगा था, वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं बताऊँ वो. और बहुत भी और भी कुछ अच्छे गेम्स हुए थे, अगर आपको लगता है कि और कोई अच्छा गेम है जो हम देख सकते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो. और मैं ट्राई करूंगा कि जो टाई ब्रेक हुआ था नाकामुरा और कार्लसन का उसको भी मैं लेके आऊँ. मेरा मेन एम ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स जिनको एनालिसिस में थोड़े इश्यूज आते हैं उनके लिए हम लोग ये वीडियोस देखे हैं ताकि समझने में बहुत आसानी हो, और हिंदी में हो रहा है तो और अच्छी बात हो रही है उसमें. तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू.